हेलो गाइस, वेलकम टू बोबो एंड तो ये रहा बोबो और ये रही उसकी बुआ। तो सडन ऑफ हमारे यहाँ प्लानिंग बनी है कल घूमने जाने की। ऐसे तो नवरात का मंथ चल रहा है, तो अभी जब हम खाना खा रहे थे तो हमने प्लान किया कि चलो चलते हैं कहीं घूमते हैं। तो अभी प्लानिंग चली रही है, यहाँ पे आधे लोग खाना खा रहे हैं क्योंकि जो लोग आधे लोगों का फास्ट है तो वो खा रहे हैं, लेकिन अब सब चलते हैं देखते हैं। तो प्लानिंग सडन अब बनी है और कल सुबह हम मॉर्निंग में 5 o'clock निकल जाएंगे सुबह सुबह हम, है ना बोबो? तो बड़े सारी है यार, सो वी आर एक्साइटेड ना, है ना बोबो? एक्साइटेड है कि नहीं है? ये देखो बोबो की एक्साइटमेंट डांस कर करके दिखा रहा है। तो हम बहुत एक्साइटेड है और अभी प्लानिंग चल रही है। मैं दिखाती हूँ आपको हम कैसे प्लान कर रहे हैं। पाँच बजे मतलब 5 बजे निकल जाओ अपन। हाँ ठीक है, तेरे को उठा देंगे। जैसे तैसे खुल चुकी है, अभी भी आ रही है। मैं आंखें देखो, अभी नींद पूरी नहीं हुई, तो फिर भी हमें उठना पड़ेगा क्योंकि हमें निकलना है। तो सबसे पहले मैं उठी हूँ और मैं सबको उठाती हूँ, फिर अपन रेडी होते हैं और चलते हैं घूमा। तो गाइस फाइनली हम रेडी हो गए हैं जाने के लिए। ये रहा मेरा आउटफिट, मैंने पहने जीन्स और एक गुजराती पैटर्न कुर्ती टॉप जो भी हो वो पहन लिया है। और अंकिता आस्था भी रेडी हो चुके हैं, ऑलमोस्ट वो भी रेडी हो चुके हैं। तो ये रहा, उनका सिंगार चल रहा है और हमारे बोबो जी हमारे हैंडबैग को संभाल रहे हैं। ये देखिए, तो बोबो भी नहा धो के तैयार हो गए हैं, बट अभी इन्होंने हल्के कपड़े पहने हुए हैं, बाद में कपड़े चेंज करेंगे। तो अभी हम रेडी हैं, अब हम जल्दी से जाते हैं। हमारी गाड़ी, हमारी सवारी भी आ चुकी है, अब हम जाएंगे घूमेंगे और मैं आपको वहाँ के दर्शन कराऊँगी। तो गाइस फाइनली अब हम निकल रहे हैं घर से, चलो चलते हैं और घूमने चलते हैं।
हैं, बस थोड़ा टाइम और फिर हम पहुंच जाएंगे। और ये देखो बोबो ने अपनी पूरी नींद पूरी कर ली है और अब वो सो के उठ चुके हैं। बोबो गुड मॉर्निंग। और अभी अब बोबो की मम्मी सोई हुई है तो आधे लोग जो थे सुबह उठने की वजह से सो चुके थे, अब उठ चुके हैं। अब थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे मंदिर। पूरा रात में सोया बोबो? हाँ रात को निकले थे ना अपन, सुबह हो गई बोबो देख, है ना। गाइस अब थोड़ी ही देर में हम पहुंचने वाले हैं, फिर मैं आपको पहुंच के मंदिर के दर्शन कराऊंगी, वहाँ के व्यू दिखाऊंगी और बहुत कुछ है जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो गाइस फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए हैं और अभी हम थोड़ा फ्रेश अप होने के लिए होटल में रुके हुए हैं। तो पहले फ्रेश होंगे फिर थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि बहुत लोगों का कल से फास्ट है, तो पहले अपन कुछ खाएंगे क्योंकि उसके बाद हम लोग को बहुत ही ज़्यादा दूर चलना है, इसीलिए पहले हम लोग खा लेंगे उसके बाद ही जाएंगे। तो पहले हम लोग अभी तो फ्रेश हो रहे हैं, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर मैं दिखाऊंगी कि आज हमें कितना चलना है। तो गाइस अभी सीज़न होने की वजह से नवरात्रि चल रही है, इसलिए हमें बहुत दूर पार्किंग करनी पड़ी। अब यहाँ से हमें कम से कम 1-2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, उसके बाद ऊपर चढ़ना पड़ेगा क्योंकि पहाड़ों पे है देवी। चलो तो चलते हैं, ब्रेकफास्ट तो हो गया, अब जाते हैं चलते हैं। तो गाइस फाइनली मंदिर प्रांगण में आ गए हैं, लेकिन यहाँ अभी बहुत भीड़ है तो आधे लोग रोपवे में जा रहे हैं तो उनके साथ जाएंगे और हम पैदल चढ़ाई, मैं पैदल चढ़ाई करने वाली हूँ। तो फिलहाल तो चलते हैं, ये भीड़ देख सकते हो आप। गाइस फाइनली हम यहाँ पे अब चढ़ाई शुरू करने वाले हैं, तो यहाँ से है सीढ़ी शुरू। चलो ये चढ़ाई शुरू। तो गाइस आधी सीढ़ी हो चुकी है और बाकी की सीढ़ियां भी बाकी है। फाइनली मुझे हो चुके हैं, ये रहा मंदिर, एंड वीडियो बनाए हैं पर इतनी लाउड है, इतनी
क्राउड है, इतनी भीड़ है कि अच्छे से वीडियो हो नहीं पा रहा है, पर फिर भी मैंने जितना हो सका मैंने बनाया। और अभी भी फैमिली मेरी आई नहीं है, ऊपर नहीं चढ़ी, मैं अकेले ऊपर चढ़ी हूँ। मुझे तो दर्शन हो गया, मैं उनका वेट करूँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे सारे लोग हैं, ये देखिए बहुत भीड़ है, बट बहुत 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 अच्छा लगा, बहुत। तो गाइस ये है व्यू पहाड़ों से, यहाँ अभी सबका फोटो सेशन चल रहा है। तो फाइनली दर्शन तो हो गए हैं माता रानी के, अब हम जाने वाले हैं रोपवे में। तो उस तरफ है रोपवे, तो मैं चढ़ के तो सीढ़ियों से आई हूँ, अब जाऊँगी रोपवे में और वो भी दिखाती हूँ आपको, वो भी इंजॉय करते हैं। और ये देखो बोबो बंदर कहाँ चढ़ा हुआ है, ये इसकी अलग मस्ती चलती रहती है, जगह चाहे कोई भी हो। कहाँ चढ़ गया है बंदर? बोबो मेरे साथ नहीं आया था, बोबो रोपवे में आया था, अब मैं बोबो के साथ जाऊँगी रोपवे में। चलो तो उसका भी एक्सपीरियंस ले ले। तो गाइस अब आ गए हैं, अब रोपवे का वेट कर रहे हैं हम, पूरी फैमिली। तो पूरी फैमिली रोपवे का वेट कर रहे हैं, तो साथ में हम चलेंगे रोपवे में, तो मैं आपको उसका भी एक्सपीरियंस जरूर कराऊंगी, है ना बाबा? कैसा था एक्सपीरियंस? मजा आया। चलो तो बोबो ने तो मजा ले लिया, अब मेरी बारी है। धूप ने हालत ख़राब कर दी है, पहले तो दर्शन तो हो गए हैं पर अभी हमें जैसे 1 किलोमीटर अंदर पैदल चलना पड़ा था वैसे ही बाहर आए। तो सुबह के टाइम तो ठीक था क्योंकि मौसम ठंडा था, पर अभी दोपहर हो चुके हैं तो सूर्य देवता अपनी चमक बरसा रहे हैं, ब्राइटनेस कम नहीं कर रहे हैं और उनके ब्राइटनेस में हम लो हो गए हैं। अब चलते जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास, चलो जल्दी हो सके तो गाड़ी मिल जाए। तो गाइस अब हम छोटे माता बम्लेश्वरी के मंदिर में पहुंच चुके हैं।
फाइनली गाइस अपन थक हार के घूम फिर के घर आ चुके हैं और हमारी हालत ख़राब है। मैं भी थक गई, बोबो भी थक गया है ना बोबो। तो हम घूम के आ चुके हैं और हमने आज बहुत इंजॉय किया, बहुत घूमा फिरा, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए। बाय।